सिंपल स्किजोफ्रेनिया अकेलेपन की बीमारी, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। लोग हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए फ़ोन करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, यहाँ पेशेंट ला के हमारे यहाँ दाखिल करते हैं, उनका इलाज करते हैं, रिश्तेदारों के साथ में बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसनमुक्त भारत ये हमारा संकल्प है। ये जो सिंपल स्किजोफ्रेनिया है, ये बड़ा डिसेप्टिव है। मतलब ये समझ में नहीं आता कि इसको बीमारी है नहीं है, ना रिश्तेदारों को ना डॉक्टर को। स्किजोफ्रेनिया में होता क्या है कि एक तो एक थॉट डिसऑर्डर होता है इसमें। थॉट डिसऑर्डर मतलब ऐसा है कि ये लोगों में विचार आते हैं जाते हैं, और इतने फास्ट आते जाते हैं कि वो कोई भी बात के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, अरे एक बात को पकड़ के ज़्यादा समय तक बातचीत नहीं कर सकते। विचार आते जाते आते जाते हैं, तो लोग ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते कोई थॉट के ऊपर, और फिर जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते, विचलित हो जाते, एक जगह पे वो फोकस नहीं कर सकते, केंद्रित नहीं कर सकते अपना मन, और फिर वो सॉर्ट आउट करने में विसंगत क्या है, सुसंगत क्या है, क्या बोलना चाहिए, ये सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तो उनका कभी कभी रिलेवेंट होता है सुसंगत, कभी कभी इरिलेवेंट होता है विसंगत, बोलना, बर्ताव करना, काम करना, थॉट्स इनके क्रम में नहीं आते। तो ऐसा कि एक सेंटेंस बोलेंगे, फिर दूसरा सेंटेंस जो होगा वो बोलता ही होगा जो पहले कनेक्शन में नहीं होगा। कभी कभी विचार टूट जाते हैं, कनेक्शन में रहते नहीं हैं, और इसकी वजह से फिर वो बातचीत भी ज़्यादा करते नहीं, लोग भी उनको टालते, क्योंकि इनसे बातचीत करना भी जमता नहीं लोगों को। तो एक मेरे पास में लड़का लाया, करीब करीब 31 साल का होगा, पिछले 8-10 साल से वो घर में है, वो घर के कामकाज करते रहता है, जो बोला वो करता है, मतलब उसके चेहरे पे मगर भावना बहुत फीकी है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं, बहुत ज़्यादा दुख नहीं, कोई भावना ही दिखाई देती नहीं है, ऐसा उसके रिलेटिव माँ बाप बोलते हैं। एक ही टोन में बोलते रहता है वो, बहुत ज़्यादा हावा नहीं, मोनोटोनसली बात करेगा, और ये अकेला अकेला रहेगा। इसकी इच्छा शक्ति भी बहुत कम है, कोई काम में रुचि नहीं है, पूरे दिन में अकेला कमरे में बैठे रहेगा, कोई कुछ तो भी इंजीनियरिंग का काम करेगा, कोई एक आधा पंखा खोलेगा लगा देगा, या कोई व्हीकल लाएगा किसकी वो खोलेगा फिर वो फिटिंग कर देगा, ऐसा कुछ भी कंप्यूटर खेलेगा या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएगा, ऐसा अकेला अकेला रहता है। खुद के साफ सफाई के ऊपर कभी ख्याल रखता है, कभी ख्याल रहता नहीं, खुद के स्वास्थ्य के ऊपर कभी ख्याल है, कभी ख्याल नहीं है। मैंने इसको बोला कि तू काम कर, तो उसको जान पे आता, काम नहीं करता कुछ, कमाई कर तो उसको जान पे नहीं आएगा, उसके ऊपर डिमांड डाला तो वो एकदम भौंकला जाएगा, एकदम आंग पे आएगा, इरिटेट हो जाएगा। मतलब उसको हाथ नहीं लगाया तो, उसके ऊपर कुछ बोला नहीं, डिमांड नहीं किया तो अकेला अच्छा रहता है, अकेला उसको देखभाल करने की जरूरत नहीं है, वैसी अकेला रहना पसंद करता है, काम करने की ना इच्छा है ना, उसको बोला तो फिर चिढ़ जाएगा काम करने के लिए, और उसको अकेला छोड़ दिया तो कुछ नहीं, फिर कोई किसको ट्रबल नहीं देगा, कुछ नहीं कुछ नहीं। कभी कभी घंटों घंटे बैठ जाएगा अकेला कमरे में, ना किससे बातचीत करेगा, किसके यहाँ जाएगा नहीं, कोई फंक्शन में जाएगा नहीं, शादी ब्याह में जाएगा नहीं, किसको मिलेगा नहीं, शादी के लिए उसको बोला तो बोले शादी मेरे को करना ही नहीं, और एकदम गर्म हो जाएगा। मतलब उसको कुछ ना कुछ रिलेटिव्स ने खुद होकर उसको कुछ बोला तो उसको जमता नहीं, उसके मन से यदि कुछ बोलता है वो तो ठीक करेगा। उसको ऐसा बोला कि भाई ये काम करना है, थोड़ा काम करेगा क्या, रिक्वेस्ट किया तो एक आधी बार काम कर लेगा, एक आधी बार नहीं करेगा, अदरवाइज टाइम पे आएगा, टाइम पे खाना खाएगा, निकल जाएगा, खुद होकर कुछ कमाता नहीं। अभी ऐसे करना क्या है, सिंपल स्किजोफ्रेनिया है, एकदम अनडिफ्रेंशिएटेड स्किजोफ्रेनिया बोल सकते हैं। इसको ट्रीट करना सबसे डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसको मतलब ऐसे कोई बहुत ऐसे सिम्टम्स नहीं है कि जिसके लिए वो वायलेंट हो जाएगा, या उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, या दवाई देने की ज़रूरत है। तभी भी हम उसको एंटीसाइकोटिक देते हैं, और एंटीसाइकोटिक से ये पेशेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है, उनको धीरे धीरे उनके मन से लिया, उनको धीरे धीरे मोटिवेशनल कुछ स्पीचेस दिए, या कुछ साइकोथेरेपी दिया, या उनको उनको जैसा जिसमें रुचि है वो बातें किया, जिसमें रुचि है वो काम में उनको लगा दिया, तो अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ कमा भी सकते हैं। तो जो लड़का लाया था उसको हमने धीरे धीरे साइकोथेरेपी, फिर एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस, फिर ग्रुप थेरेपी, ऐसा करके धीरे 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 वो उसके बाहर आता है, मगर कभी कभी अभी भी वो अंदर घुस जाएगा, ना अकेला बैठे रहेंगे। बहुत ट्रीटमेंट करने के लिए डिफ़िकल्ट रहते हैं ये लोग, मगर यदि ये बीमारी जल्दी पकड़ में आती है, अभी 8-10 साल से ऐसा है लड़का जो मेरे पास में लाया था,
यदि जल्दी पकड़ में आती है तो इसका इलाज जल्दी शुरू कर दे तो अच्छा हो सकता है, या इतनी बीमारी बढ़ेंगी भी नहीं। तो ये वीडियो लोगों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाओ, ताकि ये जो बीमारी 1% बीमारी है आबादी में, तो ये बीमारी लोग होंगे नहीं, होने के पहले मालूम पड़ेगा या अर्ली स्टेज में पकड़े जाएंगे और उनका इलाज हम कर सकेंगे। आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। आप हमको ऑनलाइन भी कंसल्टेशन कर सकते, कॉल कर सकते, काउंसलिंग हमारा ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।